देख रही है भारत की बल्लेबाजी इस समय, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण विकेट भारत के गिर चुके हैं। चलिए उस हिसाब से तो बांग्लादेश के भी विकेट काफी ज्यादा गिरे थे, एक समय 6 विकेट गिर गए थे। वहां से निडरता दिखाई थी, वहां से संयम दिखाया था और वापसी करवाई थी मिराज और महमूदुल्ला ने। कुछ वही उम्मीद यहाँ पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के ऊपर होगी, पर इन दोनों के पास बहुत ज्यादा अनुभव है। श्रेयस अय्यर ने एक तरह से अपनी जगह पक्की कर ली। आप बार बार बात करते रहते हैं मनिंदर के, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी जगह पक्की कर रहा है। पिछली जो 6 पारियां रही हैं श्रेयस अय्यर की, वहां पर शानदार प्रदर्शन रहा है श्रेयस अय्यर का। इसके पहले न्यूजीलैंड में और उसके पहले जो घरेलू जो सीरीज हुई थी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, वहां पर भी रन बनाए थे, उसमें एक शतक शामिल है। रांची में शाकिबुल हसन ने 2 बार इस श्रृंखला में उनको आउट कर लिया है, पहले एक दिवसीय मैच में भी और आज भी। पहले मैच में रिवर्स स्वीप करते हुए आउट हुए थे और आज बड़ा ही सरल सा डिसमिसल देखने को मिला। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है बांग्लादेश की टीम के, पूरा अनुभव है इनके पास, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना अनुभव बांट भी सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने भी शाकिबुल हसन को 2 बार आउट किया इस सीरीज में, सो आदान प्रदान तो हो चुका है। लेकिन शाकिबुल हसन की अगर बात करें, काफी समय से नंबर 1 ऑलराउंडर है वर्ल्ड क्रिकेट में, और उसका कारण ये है कि विकेट भी लेते हैं, जब भी कप्तान उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं रन भी बना के देते हैं अपनी टीम को। और पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट ली थी, वहीं से बॉल को टर्न कराते हैं, जिसकी वजह से हर समय बैट्समैन को मजबूर कर देते हैं गेस करने के लिए कि इस बॉल से होगा क्या। हाँ मनिंदर, और फिर क्विक आर्म एक्शन, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्विक आर्म एक्शन में बल्लेबाजों को पिकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन सी बॉल अंदर आ रही है, किसमें गति कम है, और यही जो विविधता है उसी का फायदा मिलता है शाकिबुल हसन को। मेहदी हसन मिराज स्टार परफॉर्मर इस श्रृंखला में, अभी तक पहले मैच में मैच विनिंग पारी और इस मैच में भी कठिन परिस्थिति में आकर अपना पहला शतक जड़ा मिराज ने। जी हाँ, बहुत ही सुरीली बैटिंग की उन्होंने, मजा आया देखने में। और प्रेशर सिचुएशन में जब रन बनाए हो आपने, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उनका। पिछले मैच जो उन्होंने जिताया था उसका कॉन्फिडेंस इस मैच में देखने को मिला। रियाज खालिद 11,000 से ऊपर रन, 273 विकेट, फिर शाहिद अफरीदी, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर शाकिबुल हसन का नाम आता है। क्या परफॉर्मर रहे, कितने मैचेस उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताए हैं बांग्लादेश को। और कुछ समय पहले आप अपने कमेंट्री सीन में बता रहे थे कि बांग्लादेश ने पिछली कुछ सीरीज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, उसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका रही। सूची में मैं देख रहा था कि 5 में 4 स्पिनर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, पर स्पिनर्स उनमें एक है जैक कैलिस, जो कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और अब्दुल रजाक भी। 5 में से 2 ऐसे हैं, और पांचों का जो प्रदर्शन रहा है या फिर उनका जो करियर रहा है वो बहुत ही इंपैक्टफुल रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो वनडे क्रिकेट की डिमांड यही है, अगर आपके पास और ज्यादा स्किल हो तो उससे कितना ज्यादा फायदा मिलता है टीम को। ओवर की समाप्ति 13 के बाद 49/3। आयोडीन के साथ जो आपके लिए है हेल्दी प्यूरो हेल्दी सॉल्ट, खाने में नमक हेल्दी होना चाहिए। आई रेकमेंड MRF ZLX फॉर शेयर कम्फर्ट एंड लॉन्ग लाइफ।